एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जो भी आप ने किसी नंबर इरेशनल प्रूव करना है, लेट की करना है, लेट रूट 5 जिदा रूट 5 इज इक्वल टू ए एंड अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, आई ई उन्हों का एचसीएफ 1 के बराबर है। ए ते बी को प्राइम ने, को प्राइम नंबर वो होंगे जिन्हों का एचसीएफ 1 दे इक्वल है, ताही वो रैशनल नंबर होंगे। पहला असीं इन्हूं रैशनल लेट करिया, चाहे असीं इरैशनल प्रूफ करना पर इन्हूं लेट पहला रैशनल करिया। ए अपॉन बी फॉर्म च ही होंगे, तुसीं रैशनल नंबर पढ़िया होया, रैशनल नंबर होंगे की है विच आर इन ए अपॉन बी फॉर्म वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दो कंडीशन होंगी है जिथे ए ते बी को प्राइम होंगे, को प्राइम मीनस उन्हों का एचसीएफ 1 होंगे एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तुसी पढ़िया होया, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। पहला असीं इन्हूं रैशनल लेट कर लिया, हुण को प्राइम नंबर की एग्जाम्पल की होगी, जिदा 6 ते 11 इन्हां दा एचसीएफ 1 है, दोनों च कुछ कॉमन नहीं है। 2 ते 5 इन्हां दा एचसीएफ 1 है, दोनों च कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर हो गया। असीं लेट करिया ए ते बी को प्राइम है, हुण आपां इन्हूं गलत प्रूफ करांगे। जो असीं लेट करिया उन्हूं गलत प्रूफ करन तों बाद असीं कह सकते हैं कि उह साडा इरैशनल नंबर है, क्योंकि असीं लेट करिया रैशनल नंबर है, क्योंकि इन्हू ए अपॉन बी की फॉर्म के लैट कर लिया और रैशनल नंबर की फॉर्म ही होंगी है। मीनस असं रैशनल लैट करके इन इरैशनल प्रूफ करा। हूँ स्केयरिंग बोथ साइड्स करी, रूट 5 का स्केयर की होंगे 5, ए का स्केयर ए स्केयर, बी का स्केयर बी स्केयर, इतने जाके बी स्केयर मल्टीप्लाई हो गया 5 बी स्केयर, 5 इंटू बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। हूँ आप मल्टीप्लाई के पुठे पासे जाना, सो मल्टीप्लाई के पुठे पासे ए है, यानी आप कह सकते हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड ए स्केयर। मतलब हम 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड ए स्केयर, तो मैं इतने इदा लिखता 5 इज द फैक्टर, पहला 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्केयर, फिर मैं एंड ए लिखता इदा, फिर यानी ए इज इक्वल टू मैं 5 सी लिखता, तो फिर स्केयरिंग बोथ साइड्स करी, स्केयरिंग बोथ साइड्स करी मतलब ए स्केयर इज इक्वल टू की हो गया 5 सी का होल स्केयर, ए स्केयर इज इक्वल टू 25 सी स्केयर। हूँ आ वाली वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन च फिल करी, आ वाली वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन च चले गई, हूँ मैं इतने ए स्केयर की जगह की लिख दिता 25 सी स्केयर लिख दिता, देखो एंड मेरे को आया 5 बी स्केयर इज इक्वल टू 25 सी स्केयर, सो बी स्केयर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्केयर आ गया। हूँ मैं इतों की कर सकता मल्टीप्लाई के पुठे पास बी स्केयर है, मतलब 5 इज द फैक्टर ऑफ बी स्केयर एंड बी, सो मेरे को इतने इदा हो गया। हूँ फर्स्ट से सैकेंड इक्वेशन मैं इतने लिखा, इन फर्स्ट इक्वेशन कहता, इन सैकेंड इक्वेशन कहता, मतलब ए का फैक्टर भी 5 है तो बी का भी फैक्टर एक 5 है, मतलब दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है, जबकि असी लेट की कर रहे सी एचसीएफ 1 है। हूँ आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन, आ वाली फर्स्ट इक्वेशन, आ वाली सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, आप लिखांगे हेंस आर अजम्पशन इज रोंग, एज आर अजम्पशन इज रोंग, सो वी कैन से रूट 5 इज इरैशनल, क्योंकि असी अजम्पशन चो इन्हू रैशनल लेट कर रहे सी, रैशनल जेडे पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी की फॉर्म च होंगे तो वह को प्राइम नंबर होंगे, उन्होंने एचसीएफ 1 होंगे, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। साडा इतने प्रूफ हो गया कि इन्हों का एचसीएफ किसी भी हालत च 1 नहीं आएगा, क्योंकि ए ते बी दोनों के कॉमन फैक्टर च 5 है, मतलब 1 तो किसी भी हालत च इन्हों का एचसीएफ नहीं होगा। सो दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, हैंस प्रूफ।